Hello everyone, we are team of Monica's Nursing Academy. We provide coaching to various competitive nursing exams. Our institute is the first nursing coaching academy in Himachal Pradesh. In a span of just few years, we showed our excellence as number of our students get selected in various government sectors. You can contact us on 821-90-33032. And you can also visit our academy. Our address is Thakur Complex behind IDBI Bank near DC office, Hamirpur, Himachal Pradesh. So today our topic is remaining part of the anatomy and physiology of the cardiovascular system. So today we will discuss regarding the conduction system of the heart. Hamare heart mein kaun sa conduction system present hota hai? Now here you can see the image. Jo conduction system hai hamare heart ka, that is SA node. Which is termed to be as a primary pacemaker. इसको primary pacemaker बोला जाता है. Second one here you can see, this is AV node. इसको secondary pacemaker बोला जाता है. This is termed to be as a secondary pacemaker. So firstly we will discuss regarding the SA node. SA node basically कहाँ located है? ये located है at the junction of superior vena cava and right atrium. यहीं पे हमारे पास superior vena cava अंदर enter होती है and यहीं पे हमारा जो राइट एट्रियम है वो शुरू होता है. सो दिस इज एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा एंड द राइट एट्रियम. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की, तो एसए नोड का जो रेट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का, दैट इज 60 to 100 टाइम्स पर मिनट. दिस इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस व्हिच इज जनरेटेड बाय द एसए नोड. नाउ नेक्स्ट वन इज द एवी नोड. अब ये कहां पे लोकेटेड है? At the lower aspect of right atrium. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, this whole region is a right atrium. अब right atrium के बिल्कुल lower aspect पे this AV node is located. It is at the lower aspect of the right atrium. Next one is, so अगर हमारा AV node काम करता है, तो AV node की जो electrical impulses है वो किस रेट पे जनरेट होंगे? दैट इज एट द रेट ऑफ 40 to 60 beats per minute. जैसे यहाँ पे इसका रेट है 60 to 100 times या beats per minute, उसी तरीके से एवी नोड का जो रेट रहता है दैट इज 40 to 60 beats per minute. नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द बंडल ऑफ हिस्स. हियर यू कैन सी नेक्स्ट वन हमारे पास जो पोर्शन आता है, सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इट इज अ बंडल ऑफ हिस्स. दिस इज अ बंडल ऑफ हिस्स. वो कहां पे लोकेटेड होता है? एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास परकिंजे फाइबर. हियर यू कैन सी दीज आर परकिंजे फाइबर्स. दीज आर परकिंजे फाइबर्स. अब जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस आ रही हैं, एवी नोड जो फर्दर सेंड कर रही है टू द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एज वेल एज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अभी पूरे वेंट्रिकल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जाएंगी, तो इनका रेट होगा दैट इज 20 to 40 beats per minute. जो परकिंजे फाइबर है वो हेल्प कर रही है हमारी फॉर सेंडिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस टू होल वेंट्रिकल पोर्शन, राइट एज वेल एज लेफ्ट. तो इनका रेट होता है दैट इज 20 to 40 beats per minute. सो दिस इज रिगार्डिंग द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. फॉर मोर सच टॉपिक यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.